हाय स्टूडेंट, लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस कर लिया था चैप्टर 13 दैट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का। हमने डिस्कस किया था कि हार्ट जो बीट है, अगर आप नॉर्मल कंडीशन में तो 72 के आसपास उसकी परमानेंट बीट्स होती है। वहीं तुम तो भाग के आ रहे हो या रनिंग कर रहे हो या कोई ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हो तो हार्ट बीट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हमने ये लास्ट देखा था। फिर हमने देखा था कि हार्ट बीट को सुनना है तो कैसे सुनना है, आप अपना स्टेटोस्कोप से सुन सकते हो। डॉक्टर जो यूज करते हो क्या करते हैं, स्टेटोस्कोप से सुनते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे बीट्स को करोगे तभी तुम्हें हार्ट बीट पता चल रहा है कि नॉर्मल चल रही है कि कैसी चल रही है। प्लस अगर तुम किसी अपने दोस्त के चेस्ट के ऊपर हेड ईयर रख के सुनने की कोशिश करोगे तभी तुम्हें क्या होगा, हार्ट बीट सुनाई देगी। हमने डिस्कस किया था कि ब्लड सर्कुलेशन क्या है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी इज नोन एज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कौन करवाता है, हार्ट करता है। ठीक है, हार्ट जब पंपिंग करता है तो वो एक पंपिंग की वजह से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में रोटेट करता है। हार्ट क्या है, इज अ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन एसोसिएटेड विद द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किससे एसोसिएटेड है, दैट इज हार्ट से। ह्यूमन हार्ट जो है वो कहाँ लोकेटेड है, दो लंग्स के बीच में लोकेटेड है। प्रोटेक्टेड किसके बाद, किसने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है, रीड केज ने उसे प्रोटेक्ट कर रखा है। दो टाइप्स के रीड्स होते हैं, आर्टरी एंड वी। हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट सेक्शन में हम थोड़ा डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में देखेंगे, फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखेंगे और ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन भी। क्यों देखेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया है कि कौन से चीज से रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन रिलेटेड है। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आता है लंग्स, ट्रेस नोज आता है, फिर ट्रेस से आता है, उसके बाद लंग्स जो आते हैं वो किसमें आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आ जाते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का काम करते हैं, जैसे लंग्स है हमारे, वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और उसको कन्वर्ट यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है उसको कौन कर रहा है, लंग्स रिलीज कर रहे हैं एन्वायरमेंट में और ऑक्सीजन को ले रहे हैं। ठीक है, वही डाइजेस्टिव ऑर्गन की हम जब बात करें तो डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम क्या है कि ऑक्सीजन लेना और उसे डिकम्पोज करके या मतलब उन्हें कन्वर्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन को यूज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है। जो हमारा ब्लड प्यूरिफायर का मेन फंक्शन था हो जाएगा वहां पे हो जाएगा, दैट इज लंग्स से मतलब बॉडी हार्ट से लंग्स में जाता है, वहां पे हमारा जो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहां जाके वापस कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर वापस वो हार्ट के पास आती है। क्योंकि हमारी बॉडी को कौन सा ब्लड चाहिए, जो प्योर हो, क्लीन हो, ऑक्सीजन जिसमें रात ज्यादा रीच हो। ठीक है, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम। क्वेश्चंस तो मोस्टली तुम्हारे आते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे पेज 100 पे दिया हुआ है कि इनमें से कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का लंग्स आ जाएगा, माउथ आ जाएगा, ठीक है, नोज आ जाएगा, ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के काम आते हैं, ट्रेस से आ जाएगा। वही अगर हम डाइजेस्टिव ऑर्गन की बात करें तो हम ऑलरेडी बहुत पहले भी पढ़ चुके थे स्टैंडर्ड 4 में भी कि जब डाइजेस्टिव ऑर्गन की बात करें तो फूड से हम माउथ से हम खाना खाते हैं, टंग हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन में ही आएगा। क्यों, क्योंकि वो मुंह फिक्स मिक्स करके टीथ आ गया, उसके बाद ऑसोफेगस आ गया जिसके थ्रू फूड पाइप के थ्रू खाना नीचे जाता है, फिर ऑसोफेगस के उसमें से स्टमक में जाएगा, देन स्टमक क्या करेगा, उसे एसिड रिलीज करेगा, एसिड रिलीज करने के बाद वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, गॉल ब्लैडर लीवर ये सभी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एसिड रिलीज करते हैं जिसके थ्रू खाना हमारा जो छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वहां से कहाँ जाता है, दैट इज हमारा खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उसके बाद जो खाना हमारा जाता है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी पानी है, जो भी केमिकल्स अभी भी जिस जो उसमें है उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और पूरा का पूरा उसमें से पानी एब्जॉर्ब करके लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस में चला जाता है। ठीक है, एनएस वहां स्टोर होता है, फिर वहां से आउटलेट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस में अगर आ गया कि स्टमक क्या है, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन है, माउथ डाइजेस्टिव ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव ऑर्गन। अब बात आते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो क्या होता है, मेन हमारा जो पार्ट है दैट इज हार्ट। जब हार्ट कैसा है स्ट्रक्चर में, ये हमारा जो विस्ट है ना, जब हम ऐसी मुट्ठी बनाते हैं तो उसके इस साइज से थोड़ा सा बड़ा इतना ये हार्ट है। ये हार्ट क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे पंप करते हैं, जब भी कोई चीज पंप की जाती है तो उसके एयर रिलीज होगी जिसके साथ ब्लड का फ्लो होना स्टार्ट होता है। हमारी बॉडी में क्या हो रहा है कि जब ये हार्ट पंप करता है, ये 24 मतलब जब तक हम जिंदा हैं तब तक ही हमारा हार्ट पंप होता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड जो हमारा है उससे रेगुलेट होता है। कौन रेगुलेट कर रहा है, हार्ट हमारा ब्लड को रेगुलेट कर रहा है। तो इसके 4 पार्ट होते हैं, अभी हम पार्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में हम इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो 4 पार्ट होते हैं, दैट इज लेफ्ट आर्टरी, राइट आर्टरी,
लेफ्ट हैंड हैंडल राइट हैंड हैंडल, तुम्हें कैसे याद रखना जब तुम यहाँ ऐसे खड़े हो तो तुम्हारे हार्ट के चार पार्ट होते हैं, तो इस साइड वाले क्या हो जाएंगे राइट हो जाएंगे, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होगी पल्मोनरी वेन्स, ये हो गया पल्मोनरी आर्टरीज, देन यहाँ से आगे अरोटा, यहाँ पे होते हैं तीन वॉल्स होते हैं, यहाँ दो वॉल्स होते हैं, जो तीन वॉल उनको ट्राइकार्पसाइड बोलते हैं, जो दो होते हैं बाइकार्पसाइड बोलते हैं, यहाँ तक क्लियर है, इसे बोला जाता है बाइकार्पसाइड, ठीक है, जिसमें दो वॉल है उसको बाइक यानी दो, यहाँ से ब्लड हमारा पूरा फ्लो होता है, कैसे लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से वापस यहाँ तक, फिर कैसे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब भी राइट आर्ट्रियम स्पेलिंग से लिखे थे राइट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम ए टी आर आई यू एम आर्ट्रियम लेफ्ट, लेफ्ट का आर्ट्रियम सेम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल इसमें याद नहीं है बी ई एन टी आर आई सी एल, ये हो गया हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अगर इजी तरीके से देखना चाहो तो तुम ये इसे बता नहीं सकते, जैसे ग्राफ होता है उसमें ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हो गया राइट आर्ट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। जब फ्लो की बात करें, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड की बात करें तो ब्लड कैसा कैरी होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड कैरी होते हैं ना, फिर कैपिलरी वेन्स होती नीचे जो दोनों को एक्सचेंज करती है, ठीक है, तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं। जब ये सारी चीज हो गया, आर्टरी और वेन्स के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, वो जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, कौन सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और आर्टरी जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, तो वही चीज जब आर्टरी की बात करें तो कौन सी वेन्स लेके जा रही है, वो आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, कौन सी ब्लड को कैरी करती है जिसका ऑक्सीजन रिच, वही अगर मैं वेन्स की बात करूँ है ना, तो वेन्स जो है वो क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड वाली डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती है पूरी बॉडी में, पर जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन्स क्या करती है ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। वापस एक बार स्ट्रक्चर अच्छे से देख लीजिए कि नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि ये कैसे फंक्शन करता है। सेक्शन में एक साइड जो राइट पाउच हाथ हैंड है तुम्हारा, वहां आ जाएगा राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल, यहाँ आ जाएगा लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ ऊपर की तरफ अरोटा आ गया, देन यहाँ पल्मोनरी वेन्स पल्मोनरी आर्टरी बाइसकैप्सिड और ट्राइकार्पसाइड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसका यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट सेक्शन हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वेन्स से ब्लड आता है, और दो टाइप की वेन्स होती हैं, पाइप्स बोला जाए तो पाइप्स होती है जिसके थ्रू ब्लड वैसे होती है जिसके थ्रू ब्लड कैरी किया जाता है, दैट इज आर्टरी एंड वेन। आर्टरी जो है वो क्या करती है, आर्टरी जो कैरी करती है दैट इज ऑक्सीजनेटेड, कौन सा ब्लड कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड, वहीं वेन्स क्या करती है डीऑक्सीजनेटेड, यानी डीऑक्सीजनेटेड यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है उसे बोला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे कैसे फ्लो होता है, ब्लड कैसे आता है, लंग्स कैसा जो हार्ट है वो कैसे काम करता है, ठीक है, थैंक यू।